चीन की नीतियां पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब है, इसलिए तो हर एक देश ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चीन के विश्व महाशक्ति बनने के प्रयासों ने आज उसे दुनिया के तमाम देश समेत इंसानियत का दुश्मन बना दिया है। अब दुनिया की कई महाशक्तियां उसके खिलाफ एकजुट हो रही हैं, जैसे अभी हाल ही में क्वाड संगठन को नए सिरे से एक्टिव किया गया, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस क्रम में इन चारों देशों ने चीन के अलग अलग पैतरों का विधिवत जवाब देने की रणनीति भी तय की। चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता पर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री का एक ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने नौ सैनिकों को पश्चिम एशिया के एशिया प्रांत और चीनी इलाके में स्थानांतरित करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने अपने बयान में कहा है कि इस साल जंगलों में लगी आग बुझाने में और कोविड-19 संकट के खिलाफ नौसेना ने बड़ी मदद की है। इसके अलावा पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हमारे 5 जहाज तैनात रहे। ये प्रशांत क्षेत्र में हमारी पहल और क्षेत्रीय साझेदारी के साथ गतिविधि बढ़ाने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा बल पश्चिमी एशिया में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को कम करेगा ताकि अपने क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्री का हवाला देते हुए एक मीडिया एजेंसी ने खबर दी है कि ऑस्ट्रेलिया अब हर साल रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप पश्चिम एशिया नहीं भेजेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के नेतृत्व वाली गश्ती दल से भी हट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली 2+2 वार्ता से पहले ट्रंप प्रशासन ने भी कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को रोकते हुए नियमों के मुताबिक शांति स्थापित की जाएगी। 4 देशों का समूह क्वाड इसके लिए महत्वपूर्ण पहल करेगा और अमेरिका की तरफ से कही गई इन बातों को लेकर 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली वार्ता में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए जाएंगे। इस वार्ता के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री इस पर भारत आ रहे हैं। वार्ता के बाद वो मालदीव और श्रीलंका का भी दौरा करेंगे। दोनों ही देश हाल के दिनों में चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं और रणनीतिक रूप से चीन से भी दूरी बनाते रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का वहां जाना भी कई मायनों में खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।